इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपने एक अनोखे कारनामे से एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो क्यों दुनिया की नंबर एक खुफिया एजेंसी है। ताज़ा खबर के अनुसार मोसाद ने अपने जासूस एली एहन के सीरिया में पकड़े जाने और सरेआम फांसी पर लटकाए जाने के करीब 50 साल बाद उनकी घड़ी को ढूंढ निकाला है। इसराइल ने अपने जासूस की घड़ी तलाशने के लिए विशेष अभियान चलाया था। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मोसाद के इस हैरतअंगेज कारनामे पर कहा, मैं मोसाद के लड़ाकों के दृढ़ और साहसिक अभियान की प्रशंसा करता हूँ जिसका एकमात्र मकसद अपने महान जासूस की निशानी को इसराइल को वापस सौंपना था, जिसने देश को सुरक्षित बनाए रखने में अहम योगदान दिया था। इसराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद का दावा है कि ये घड़ी उनके जासूसों ने सीरिया में हाल ही में एक विशेष अभियान में खोजी है। हालांकि इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई कि जासूस एली कोहन की घड़ी उन्हें कहां और किस हाल में मिली। मोसाद के सबसे होशियार जासूस एली कोहन सीरिया में पकड़े जाने से पहले तक यही घड़ी पहनते थे। मोसाद ने कहा कि इस घड़ी को फिलहाल मोसाद मुख्यालय में डिस्प्ले में रखा गया है। बता दें, मिस्र में जन्मे कोहन 1960 के दशक में मोसाद में भर्ती हुए थे। अरब जगत की खुफिया जानकारियां जुटाने के लिए वो सीरिया चले गए। उनकी खुफिया जानकारियों के दम पर ही 1967 के अरब इसराइल युद्ध में इसराइल की बड़ी जीत हुई थी। हालांकि सीरियाई सुरक्षा अधिकारियों ने 1964 में जासूस कोहन की सच्चाई जान ली थी। उन्हें गिरफ्तार कर 18 मई 1965 को फांसी दे दी गई थी। तभी से इसराइल के जासूस उनकी घड़ी को तलाश रहे थे ताकि वो अपने इस जाबाज को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें।